नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर OMS न्यूज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ बड़ी और अहम खबरों के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, अलग अलग शहरों और सोशल मीडिया से कुछ बड़ी और अहम खबरें निकल के आ रही हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। बात करेंगे एक एक करके विस्तार से। इससे आपसे कहना कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह की ताज़ा खबर सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी ओपन कर लें जिससे कि आने वाली हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले चलते हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन के लाइव अपडेट के बारे में। दोस्तों बात करें कोरोना वायरस के लाइव अपडेट की, तो मैं आपको बताते हैं कि भारत में अभी तक 8,356 लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है। वहीं 716 लोग इस संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें 273 लोगों की देश में मौत भी हो चुकी है। वहीं बात करें पूरी दुनिया की, तो 16,31,348 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले PM, जान है तो जान है, लॉकडाउन का पालन बहुत जरूरी। आपको बता दें देश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना मामलों के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इसमें उन्होंने सभी से लॉकडाउन को बढ़ाने समेत इस संक्रमण के निवारण उपायों और आवश्यक कदमों पर सुझाव भी मांगा। इस दौरान सभी राज्यों ने लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ाने की मांग की। इस पर केंद्र सरकार भी विचार कर रही है। दोस्तों आपको बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में PM मोदी ने कहा कि लॉकडाउन की बात करते हुए मैंने कहा था कि जान है तो जान है। जब मैंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था तो शुरू में बल दिया था कि हर नागरिक जान बचाने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत आवश्यक है। देश के अधिकतर लोगों ने इस बात को समझा और घरों में रहकर अपना दायित्व निभाया। हम सभी ने इसी मंत्र पर चलते हुए देशवासियों की जिंदगी बचाने का प्रयास किया है। भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए, समृद्ध और स्वस्थ भारत के लिए जान भी दोनों पहलुओं पर ध्यान आवश्यक है। जब देश का प्रत्येक व्यक्ति जान भी और जहान भी दोनों की चिंता करते हुए अपने दायित्व को निभाएगा, सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करेगा, तो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई और भी मजबूत होगी। आपको बता दें कि बैठक के बाद सरकार की तरफ से जारी बयान। दोस्तों प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि देश में जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। कालाबाजारियों और जमाखोरों को सख्त संदेश दिया। लॉकडाउन पर PM ने कहा कि राज्य सरकारें एकमत दिख रही हैं कि इसे 2 हफ्ते तक बढ़ाया जाना चाहिए। PM ने पाया कि केंद्र और राज्य सरकार ने साझा प्रयासों से COVID-19 से लड़ने में मदद मिली और इसका असर भी कम हुआ, लेकिन लगातार निगरानी की भी जरूरत है। आपको बता दें कि COVID-19 से लड़ने वाले कर्मचारियों को सभी तरह के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, इस पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। PM नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि लॉकडाउन पर नियंत्रण बहुत जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। लॉकडाउन बढ़ाने पर PM ने समर्थन किया। आपको बता दें पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्यमंत्रियों की एक सुर में राय थी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाए, जिसका PM मोदी ने भी समर्थन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कब्रिस्तानों में जगह नहीं, लाशों के लगे ढेर, शमशान घाटों पर दाह संस्कार की लंबी कतारें। आपको बता दें UP में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यहाँ की राज्य सरकार ने 15 राज्यों को सील कर दिया है। इसी बीच भोपाल में कोरोना से अब तक एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अप्रैल के 6 दिनों में यहां मुस्लिम समाज में मौत की दर अचानक बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक शहर के 2 बड़े कब्रिस्तानों में मार्च के ही महीने में 213 शवों को दफनाया गया था, यानी यहां हर दिन 7 शवों को दफनाया जा रहा था, लेकिन अप्रैल में भी यहां 93 शवों तक आंकड़ा पहुंच गया। आपको बता दें कि मतलब यहां की हर दिन 15 शवों दफनाए जा रहे हैं। यही नहीं, काशी के मणिकर्णिका घाट पर लॉकडाउन से पहले हर दिन 100 शवों का दाह संस्कार किया जा रहा था, लेकिन अब इनकी संख्या में कमी आई है और अब ये 15 से 20 तक रह गई है। बता दें कि कोरोना वायरस से देश भर में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इन संक्रमित शवों को इलेक्ट्रॉनिक या गैस वाले सौदाह गृह में ही जलाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहती हैं, साथ ही शमशान और कब्रिस्तान में भी सतर्कता बरती जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें भूखों का पेट भरने के लिए सलमान खान ने अब किया एक काम, सोशल मीडिया पर हो रही जमकर तारीफ। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस की वजह से लोगों के काम धंधों पर ताला लग गया है। लॉकडाउन के इस मुश्किल दिनों में उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहद संकट का दौर है जो रोज कमाते हैं और खाते हैं। ऐसे डेली वर्कर्स के लिए बॉलीवुड लगातार काम कर रही है। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्रीज के 25,000 दिहाड़ी मजदूरों के लिए मदद करने का ऐलान किया। पहली किस्त के रूप में उन्होंने 6 करोड़ रुपए की धनराशि 20,000 वर्कर्स को दी। इस नेक काम के बाद उन्होंने एक बार फिर मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। आपको बता दें सलमान खान वर्कर्स के खातों में पैसा ट्रांसफर करवाने के बाद भूखे मजदूरों और गरीबों के लिए राशन का इंतजाम किया है। सलमान खान के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। सलमान खान ने गरीबों को ट्रकों में भरकर खाना भेजा। सलमान खान ने गरीबों के लिए एक बार फिर हाथ बढ़ाए हैं। इसकी जानकारी मुंबई में बांद्रा ईस्ट के विधायक जीशान सिद्दीकी के ट्वीट से हुई।
जिसमें उन्होंने सलमान की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें यूपी में तबलीगी जमातियों का सुराग देने पर पुलिस देगी 5,000 रुपए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोरोना वायरस के संदिग्ध तबलीगियों का सुराग देकर उन्हें पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। आपको बता दें सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बंगाल में 30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। आपको बता दें पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते राज्य में स्कूल और कॉलेज 10 जून तक बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बंगाल सरकार ने कदम उठाते हुए अब चिन्हित सभी 10 हॉटस्पॉट को पूरी तरह सील करने का फैसला लिया है, जहां संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही पश्चिमी बंगाल में भी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम के साथ हुई बैठक के बाद इस बात की घोषणा की। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें उड़ीसा और पंजाब के बाद महाराष्ट्र में 3 अप्रैल तक लागू रहेगा लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें शनिवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में शनिवार को 92 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं अब तक 1,666 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि राज्य में अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आज पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें अमेरिका में कोरोना विश्व भर में सबसे ज्यादा 20,000 मौतें, 5,00,000 से अधिक संक्रमित। आपको बता दें अमेरिका में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। वह दुनिया का पहला ऐसा देश हो गया है जहां एक ही दिन में कोविड-19 महामारी से 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। साथ ही मौत के मामले में इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। अब विश्व में सबसे ज्यादा मृतक और संक्रमित अमेरिका में ही है। आपको बता दें जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह देश के मृतकों का आंकड़ा 20,137 तक पहुंच गया, जो इटली से अधिक है। इटली में 19,468 लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका में संक्रमित मरीज भी विश्व में सबसे अधिक 5,21,042 हो गए हैं। वहीं कोविड-19 से मृतकों के केंद्र के तौर पर उभरे न्यूयॉर्क में कुल 1,80,548 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो किसी एक देश से ज्यादा हैं। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस से 8,627 लोगों की मौत हुई। वहीं न्यू जर्सी में करीब 2,183 मौतें हुई और 58,000 से अधिक संक्रमित हैं। बताते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कोरोना से मुकाबले को 2 हफ्ते और बढ़ेगा लॉकडाउन, आर्थिक गतिविधियां भी शुरू होने के संकेत। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी के महासंकट को थमने के लिए 14 अप्रैल तक लागू मौजूदा देशव्यापी लॉकडाउन का 2 हफ्ते और बढ़ना तय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने को सही ठहराते हुए इसका अनौपचारिक ऐलान तक कर डाला। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के प्रस्ताव पर गौर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगले 2 दिनों में एक बार फिर देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि पीएम ने बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने के जहां संकेत दिए, वहीं ये भी साफ कर दिया कि लॉकडाउन के दूसरे स्टेज का मूल मंत्र जान ही जान भी होगा। संकेत साफ है कि देश आर्थिक विकास के रुके पहियों को शुरू करने के लिए कुछ आर्थिक गतिविधियों को सतर्कता के साथ संचालन की इजाज़त दी जा सकती है। पीएम ने मुख्यमंत्रियों को भरोसा दिलाते हुए ये भी कहा कि वह 24 घंटे उपलब्ध है, जरूरत पड़ने पर कभी भी कोई उनसे संपर्क कर सकता है। बढ़ते हैं अगली और लास्ट खबर की ओर। आपको बता दें देश में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 8,356, अब तक 273 की मौत। दोस्तों आपको बता दें देश में लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आज लॉकडाउन का 19वां दिन है। वहीं 4 राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 909 मामले सामने आए और 34 की मौतें हुई। इसी के साथ देश भर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 8,356 हो गई है। इसमें 7,367 सक्रिय हैं, 716 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है और एक देश से बाहर चला गया, जबकि 273 लोगों की